ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के उपलक्ष्य में विश्राम गृह बिजड़ी में भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बस्तर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पूर्व सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के उपलक्ष्य में विश्राम गृह बिजड़ी में भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बटसर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। धूमल के संबोधन से पहले बटसर से तीन बार विधायक रहे बलदेव शर्मा ने कहा कि धारा 370 का हटना एक ऐतिहासिक निर्णय है। आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच अभिनंदन समारोह में पहुंचे हैं। इसके बाद धूमल ने माइक संभालते ही धारा 370 एवं इसके इतिहास के बारे में प्रकाश डालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 35A केवल अस्थायी तौर पर लगाई गई थी। जम्मू कश्मीर से हुक्मरानों ने हमेशा इसका इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री को इतनी देर सुनते हैं। मोदी की नीतियों के कारण ही आज आतंकी देश पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका है। इसके बाद धूमल ने भारत माता की जय के नारे लगाकर व उपस्थित लोगों व भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करके अपना संबोधन समाप्त किया। 2014 से 2019 के बीच 86,000 करोड़ के अलावा 2,70,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया गया, लेकिन वहां गरीबी आज भी सबसे ज्यादा है। चंद लोग अमीर है, जमीन की कीमत क्या है फिजर में, और वर्मा पंखलाल 3,000 रुपए थे 1980 में, और अभी तक 30,000 नहीं हुई। और हिंदुस्तान में 3,00,000, 10,00,000, 30,00,000, और मुंबई और दिल्ली जैसी जगह पे 3 करोड़ रुपए तक हो गई है। जम्मू कश्मीर के किसान के साथ भी धोखा हुआ, उसकी जमीन बिक नहीं सकती है क्योंकि वहां कोई होटल नहीं बनेगा, वहां कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, वहां कोई बड़ा संस्थान नहीं खुलेगा, ना कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन ले चाहिए, खोलने के लिए जमीन चाहिए। तो हमारे यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सर्जिकल मोर्चा ने किया, अन्य पिछड़ा वर्ग में 27% ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आबादी के हिसाब से हर स्टेट में उनको नौकरियों में आरक्षण मिलता है। जम्मू कश्मीर में अपना पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जनजाति के हो या अनुसूचित जाति के हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उन्हें रिजर्वेशन मिली है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, असेंबली का चुनाव लड़ते हैं, वो सीटें हैं उनके लिए। जम्मू कश्मीर के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कोई रिजर्वेशन नहीं। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए, करोड़ों लोग। कोई पंजाब में बस गया, कोई दिल्ली बस गया, कोई गुजरात बस गया, कोई हिमाचल बस गया, कुछ लोग जम्मू कश्मीर में, कुछ लाख लोग वहां आ गए। उनको आज तक नागरिकता का अधिकार सिटीजनशिप का नहीं मिला जो जम्मू कश्मीर में गए। वो पार्लियामेंट के लिए वोट डाल सकते थे, एमएलए के लिए ना लड़ सकते थे ना वोट डाल सकते थे, वो वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो म्यूनिसिपल काउंसिल का चुनाव नहीं लड़ सकते। और जो बात कही गई बेटियों के भी खिलाफ था कानून 370 और 35A के कारण, अगर जम्मू कश्मीर की कोई बेटी
हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा कहीं भी शादी कर लेती थी तो उसका माँ बाप की संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता था, उसके बच्चे को वहां का अधिकार नहीं होता था, उसे अपने उसकी नागरिकता वहां खत्म हो जाती थी। यदि कोई जम्मू कश्मीर की बेटी पाकिस्तानी नागरिक से शादी करती है तो पाकिस्तान का नागरिक जो था वो जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाता था, वो शहरी हो जाता था जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर का कानून ऐसा है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक है वो भारत का भी नागरिक है, तो कहते जो लोग भारत हमारा वो अभी बने जम्मू कश्मीर, तो भारत का नागरिक बन जाता है, इसका मतलब जम्मू कश्मीर का नागरिक हो गया, भारत का भी हो गया है पाकिस्तान से। इस तरह के अन्याय बहुत सारे होते रहे। सभी लोग कह रहे थे कि लगातार कोशिश करो कि पैसा विकास के लिए जाता है, कहां जाता है, आप हैरान होंगे सुन के, वहां से प्रवासी की तनख्वाह 2500 रुपया थी,